हेलो दोस्तों, हम नीरज आप लोग के सामने एक छोटे से ट्रिक के साथ खड़े हैं जो आपको कोई भी कंपटीशन में हल्का इजी होगा। आप फ्यू सेकंड में जो है ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि हमारा प्रश्न है कि सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 से लेकर 100 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक, और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक। ऐसा कोई भी सीक्वेंस में जो है कोई नंबर दे दे तो आप जो है एक इजीली जो है एक ट्रिक के साथ जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा एक बिना समय बर्बाद किए हुए हम एक ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक आपको छोटा सा ट्रिक लगाना है, इन ए प्लस एल बटा में टू। एल क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इस संख्या को लगातार 20 बार लिखा जाए और उस संख्या को आप गिनिएगा कि ये संख्या कितना बार आया है, कितना बार आया है तो आप देखिएगा तो गिनिएगा तो 20 होगा। ठीक है, मान लीजिए इस संख्या को आप जो सीरीज को जो लिखा हुआ है इस सीरीज को आप 20 तक लिख दीजिए और उसके बाद काउंटिंग कीजिए तो आपको कितना आएगा नंबर, हमारा नंबर आएगा 20। तो इस वहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ हो गया आपका एन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एन। और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, जो हमारा फर्स्ट टर्म जो इस सीरीज दिया उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा वन है। एल क्या है, एल हमारा लास्ट टर्म, यहाँ पर देखिए तो लास्ट टर्म हमारा क्या क्या है 20, और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। देखिए इसको प्रश्न को बनाते हैं, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म देखिए तो कितना है 20, और ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पर 1 आया है और लास्ट टर्म कितना है, कितना है लास्ट टर्म पर 20 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से इसको घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 210, आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको भी निकालिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसी फॉर्मूला क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ टर्म निकालिएगा और इसी कॉन्टिन्यूस जो संख्या एक सीरीज दिया हुआ है और इस संख्या को आप लिखिएगा और गिनिएगा तो ये संख्या कितना बार आया है सर, टोटल टोटल हमारा 100 बार आया है। ठीक है, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, उसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिए तो 50 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 101, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5050 हमारा क्या हो गया है इसका आंसर होगा, मतलब 5050। ठीक है, और इसी तरह हम अगर मान के चलिए यहाँ पर दो, ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरा क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ टर्म जो है उसको निकालने आपको क्या होगा परेशानी होगा। ठीक है, तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्म अगर निकालने परेशानी होगा तो इस फॉर्मूला पर आपको जो होगा इसको बैठाने में, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला था हमारा एन ए प्लस एल बटा टू, तो आपको नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें निकालिएगा तो आपको परेशानी होगा क्योंकि 1 से स्टार्टिंग नहीं दिया, 1, 2, 3, 20 तक नहीं दिया हुआ, 2 इसमें से आपका 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है, 9 गायब है, तो इसमें आपको क्या होगा नंबर ऑफ टर्म निकालने में थोड़ा परेशानी होगा। इसके लिए छोटा सा हमारा ट्रिक है, देखिए हमारा ट्रिक क्या, छोटा सा एल माइनस ए बटा में डी प्लस 1, यह हमारा क्या नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या है एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, ये जो है मान के चलिए यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एल क्या होगा लास्ट टर्म, जैसे यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म है, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है डिफरेंस। अगर मान के आपको डिफरेंस निकालना है, मान के चलिए इसको आप मान लेते हैं, अगर मान के चलिए इसको मान लेते हैं आप ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, तो हमेशा आप डिफरेंस निकालते समय ए टू में से ए वन कीजिएगा, क्या करेंगे ए टू में से ए वन डिवाइड करेंगे तो हम ए वन से ए टू सॉरी ए टू में से ए वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा डी निकलेगा। ठीक है, वैसे ही ए थ्री में से हम क्या करेंगे ए टू को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी, हमेशा ड्री जो होगा यहाँ पर सेम निकलेगा, क्या निकलेगा हमेशा जो होगा इसमें जो हमारा डी होगा हमेशा सेम निकलेगा। इसलिए देखिए इसी फॉर्मूला से जो है हम इसको पहले डी निकाल देते हैं, ए टू में से हम ए वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए टू हमारा क्या है 4 माइनस ए वन क्या है 2, तो हाँ क्या आ जा रहा है वैल्यू 2, क्या आ जा रहा है वैल्यू हमारा 2, जब डिफरेंस 2 आ जा रहा है तो इसमें पुट कर देंगे, देखिए इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसको नीचे नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे 2 आ गया ना, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 20, फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसको डिवाइड किससे करेंगे, डी हमारा क्या आया था 2 आया था प्लस 1,
ठीक है, इसको आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18 बटा में 2 प्लस 1, इसको इसको कर दीजिएगा डिवाइड, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या आ गया 10 आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देखिए क्या करें, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एन क्या है हमारा 10, एन हमारा क्या आया यहाँ पर 10। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर 2 है, 2 प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है एल, जो है हमारा एल जो है लास्ट टर्म है यहाँ पर 20 है, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 22 बटा में 2, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 110 हमारा क्या आ जाएगा, 110 हमारा क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है हम इसको चौथा को सॉल्व करेंगे, चौथा क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको भी जो है हम जो है इसी फॉर्मूला से क्या है अप्लाई कर जो है इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्म निकालिएगा, जैसे नंबर ऑफ टर्म हमारा जो इस फॉर्मूला है जो ये हमारा फॉर्मूला है इसको लगा दे रहे हैं, यही जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, और ये हमारा सब निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस नंबर ऑफ टर्म में से जो नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना होगा तो इसको सबसे लास्ट टर्म रखिएगा माइनस फर्स्ट टर्म कीजिएगा, और इसके डिफरेंस इसका डिफरेंस निकालिएगा क्या होगा 30 माइनस 20 हमारा क्या आ जाएगा 10 रहेगा, इसको डिवाइड बाय प्लस 1 कर दीजिएगा तो आप इस फॉर्मूला बैठे आया था सब निकल जाए। तो ये क्वेश्चन आप जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा देखिए टाइप 1 है, इसका भी जो है जो सब का जो हमारा वीडियो है तब 4-5 जो टाइप में जो है ऐसे इसी तरह जो फॉर्मूला है जो है हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।